ओके सो लेट्स बिगिन सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी द रन ऑफ ट्राइंगल बेलो शोर्स क्यूमुलेटिव क्लेम्स इंकर्ड ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज पास्ट एंड सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी का अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव पास्ट एंड प्रोजेक्टेड फ्यूचर इंफ्लेशन इज गिवेन बाय द फॉलोइंग इंडेक्स Measured at the midpoint of the relevant year, 100, 105, 109, 116, 123. Calculate the outstanding claims using the inflation-adjusted chain ladder method. ठीक है? तो so, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये रनऑफ का क्वेश्चन है, ठीक है? So this is 2020 का लोग को बोला है हम लोग को क्यूमुलेटिव दे दिया राइट सो सबसे पहले अभी जस्ट हमने किया था आ, थोड़ा टाइम थोड़ा पहले ही किया था ऐसा टाइप का तो so, सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा नॉन क्यूमुलेटिव सो नॉन क्यूमुलेटिव में टू डबल फोर जीरो एट फिफ्टी फोर फोर नाइन्टी फोर टू जीरो सिक्स फाइव सेवन एटी फोर टू वन फाइव एट ठीक है अब जैसे क्यूमुलेटिव से नॉन क्यूमुलेटिव बनाया माइनस कर करके क्यूमुलेटिव से नॉन क्यूमुलेटिव बनाया माइनस कर करके राइट अब फिर क्या करना है जैसे एक ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया राइट सो so, अब इसमें इन्फ्लेशन पास्ट इन्फ्लेशन करेंगे ये हो गया सत्रह अट्ठारह और ये हो गया उन्नीस ठीक है तो सत्रह अठारह उन्नीस जो हो गया अब हम लोग को क्या करना है ध्यान देना सत्रह से उन्नीस पे लाने के लिए जैसे पहला वाला को पहला वाला को हम लोग क्या करेंगे वन जीरो नाइन बाय हंड्रेड फिर ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे वन जीरो नाइन बाय वन जीरो फाइव और इसको हम लोग वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ये करने के बाद क्या आएगा ध्यान देना जैसे टू डबल फोर जीरो इंटू वन जीरो नाइन बाय हंड्रेड ठीक है ये हो गया तो ये हो गया नॉन क्यूमुलेटिव फिर हमने इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर दिया इसके बाद में हम लोग फिर से क्यूमुलेटिव करेंगे तो क्यूमुलेटिव करने के बाद में हम लोग डेवलपमेंट फैक्टर निकालेंगे जीरो वन और वन टू ठीक है फिर उससे हम लोग ट्राइंगल को पूरा रन ऑफ करेंगे तो जीरो वन टू क्या आएगा देखो सत्रह अट्ठारह और उन्नीस सो अट्ठारह में थ्री 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 फाइव पॉइंट यहाँ पर थ्री थ्री वन थ्री पॉइंट और यहां पर टू नाइन जीरो एट पॉइंट ठीक है तो ये मेरा क्यूमुलेटिव आया है फिर इसको नॉन क्यूमुलेटिव बनाऊंगा मैं नॉन so, क्यूमुलेटिव वाला मेरा क्या आ जाएगा जीरो वन टू सत्रह अट्ठारह और उन्नीस सो so, अट्ठारह में आएगा चार सौ सात पॉइंट समथिंग सेवन फिफ्टी पॉइंट समथिंग चार सौ पांच पॉइंट समथिंग ठीक है सो so, अब हम लोग को इसको दोबारा से इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा एक हो गया हमारा ये वाला और एक हो गया हमारा ये वाला तो इसको हम लोग एक से मल्टीप्लाई करेंगे 116 सौ सोलह बाय एक 109, इसमें आएगा उसके एक साल आगे का 123 ठीक है और फिर अप कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा ठीक है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स देखना क्वेश्चन नंबर सिक्स देखना A bank a bank sells one thousand European put options on a non-dividend paying share. The initial share price S0 is seventeen. Mm -hmm. the and the strike price of the option at expiry in two years time. ठीक है द शेयर हैज अ अटिलिटी ठीक है एंड द रिस्क फ्री फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज थ्री परसेंट द ऑप्शन प्राइस पुट ऑप्शन का यहां पर बात हो रहा है सो द ऑप्शन प्राइस इज पुट ऑप्शन का जो प्राइस है दैट इज वन पॉइंट नाइन सिक्स थ्री एंड डेल्टा इज माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर सिक्स कैलक्युलेट द इनिशियल इनकम फॉर द बैंक फ्रॉम सेलिंग दीक है बोला है वन थाउजेंड पुट ऑप्शन बेच रहे सो इट इज वन थाउजेंड इंटू वन पॉइंट नाइन सिक्स थ्री तो शुरू में कितना कमाया शुरू में कितना कमाया डॉलर्स वन नाइन सिक्स थ्री कमाया ठीक है उसके बाद में बोल रहे डेटर द पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स एंड कैश द बैंक शुड होल्ड टू डेल्टा हेज इट्स इनिशियल पोजिशन ठीक है पुट ऑप्शन का जो डेल्टा है पुट ऑप्शन का जो डेल्टा है दैट जीरो पॉइंट फोर फोर सिक्स ठीक है तो बैंक वन थाउजेंड जीरो पॉइंट फोर सिक्स सिक्स ये नेगेटिव है ना क्योंकि तो शेयर का जो तो डेल्टा होता है वो वन होता है सो फोर फोर्टी सिक्स शेयर सेल करेगा ठीक है सो so, एक शेयर का दाम है सत्रह रुपया सत्रह इंटू फोर फोर्टी सिक्स इज डॉलर सेवन फाइव एट टू कैश विल बी जनरेटेड है ना इतना कैश जनरेट होगा और आ, ठीक है कंबाइंड विद दी आप पहले से अपने पास में कितना था डॉलर्स वन नाइन सिक्स थ्री ठीक है वन नाइन सिक्स थ्री प्लस डॉलर सेवन फाइव एट टू मेरा बात समझना क्या बोल रहे है एक हजार पुट ऑप्शन बेचा सो रिजल्टिंग डेल्टा क्या आ रहा है जीरो पॉइंट फोर फोर सिक्स माइनस इंटू माइनस वन क्योंकि बेचा है ना तो इंटू वन थाउजेंड तो डेल्टा क्या था फोर फोर्टी सिक्स इसीलिए मैंने क्या किया फोर फोर्टी सिक्स शेयर सेल कर दिया क्योंकि अब मेरा डेल्टा क्या हो जाएगा फोर फोर्टी सिक्स शेयर सेल कर दिया तो मेरा रिजल्टिंग डेल्टा ही जीरो और कैश का एडजस्टमेंट कर दिया क्योंकि जब पुट बेचा तो भी आया और जब शेयर बेचा तो भी आया सो टोटल डॉलर्स कितना आ रहा है नाइन फाइव फोर फाइव इज कैश इसके बाद में वन डे लेटर शेयर प्राइस इज नाइनटीन एस्टिमेट द न्यू ऑप्शन प्राइस यूजिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ठीक है सो so, आप बेसिकली क्या करेंगे वन पॉइंट नाइन सिक्स थ्री ठीक है शेयर का दाम बढ़ गया तो पुट का दाम गिरेगा इनटू जीरो पॉइंट फोर फोर सिक्स ठीक है ना सो बेसिकली न्यू ऑप्शन का जो प्राइस आएगा वन पॉइंट जीरो सेवन वन शेयर का दाम बढ़ता है शेयर का दाम बढ़ता है तो पुट का दाम गिरता है ठीक है ना तो चेंज इनटू डेल्टा चेंज इनटू डेल्टा इसके बाद में क्या बोल रहा है कैलकुलेट द न्यू ऑप्शन प्राइस यूजिंग ब्लैक स्कोल्स ठीक है ये भी बहुत ईजी है डी वन डी टू एन डी वन ये मैं नहीं कर रहा एन डी टू और फिर वैल्यू निकाल लेंगे पुट ऑप्शन का ठीक है सो so उस वे से अगर जाएंगे तो पुट ऑप्शन का दाम आएगा वन पॉइंट जीरो सिक्स सेवन वन पॉइंट जीरो सिक्स सेवन आएगा ठीक है फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है कमेंट ऑन द रीजन फॉर डिफरेंसेस कमेंट ऑन द रीजन्स फॉर डिफरेंसिस बिटवीन योर एंसर्स टू पार्ट थ्री एंड फोर द ऑप्शन प्राइज डॉट चेंज लिनियर विदर प्राइस डेल्टा इज नॉट कॉन्स्टेंट बिकॉज इट वेरीज एज द शेयर प्राइस चेंजेस एंड हाउ डेल्टा वेरीज विद प्राइज इज शोन बाई गामा दैट इज गामा ओके द फिगर इन पार्ट फोर इज ऑल्सो वन डे लेटर विच विल अफेक्ट द ऑप्शन प्राइस द चेंज इन शेयर प्राइस इज क्वाइट लार्ज सो यूजिंग डेल्टा अलोन माइट नॉट बी एक्ट मैंने बोलने का मतलब क्या है डेल्टा में जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली डी डी एस टी इज वॉट गामा ठीक है ना तो लीनियर नहीं है बोलने का मतलब क्या है लीनियर आगे से कोई भी पूछेगा तो क्या बोलेंगे लीनियर नहीं है ठीक है ना लीनियर नहीं है ओके okay? फिर बोलता है एक्सप्लेन वाया लो वैल्यू ऑफ वेगा फॉर दिस डेरिवेटिव वुड बी डिजायरेबल वेगा क्या है चेंज इन सिग्मा होने से ऑप्शन के प्राइस में क्या चेंज आएगा द वैल्यू ऑफ अ पोर्टफोलियो विद लो वैल्यू ऑफ वेगा

क्या बोल रहा है वेगा कैन वैरी ओवर टाइम सिंस मेनी डेरिवेटिव प्राइसिंग मॉडल्स अज्यूम दैट वोलेटिलिटी कॉन्स्टेंट क्या बोल रहा है सिंस मेनी डेरिवेटिव प्राइसिंग मॉडल्स सिंस मेनी डेरिवेटिव प्राइसिंग मॉडल्स अज्यूम दैट इज कॉन्स्टेंट थ्रू टाइम ठीक है क्या बोल रहे हैं यहां पर सिंस मेनी सिंस मेनी डेरिवेटिव सिंस मेनी डेरिवेटिव प्राइसिंग मिनट आई गेस इज सम प्रॉब्लम सिंस मेनी डेरिवेटिव प्राइसिंग मॉडल्स अज्यूम दैट वोलेटिलिटी कॉन्स्टेंट थ्रू टाइम द रिजल्टिंग अप्रोक्सीमेशन विल बी बेटर वेगा इज स्मॉल ठीक है ना और भी हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हम लोग का जो सिग्मा है वो क्या है कॉन्स्टेंट है तो इसलिए क्या बोलता है वेगा शुड बी लो शुड बी लो ठीक है ना चलो ये वाला अपना हो गया ठीक है ना फाइव हो गया सिक्स हो गया फाइव हो गया सिक्स हो गया एट मैंने कराई दिया अब इसका लास्ट क्वेश्चन है इज पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है आइए सो क्वेश्चन नंबर सेवन हम लोग करेंगे तो सितंबर बीस के बाद में अपना इक्कीस का दो बचेगा और बाईस का एक बचेगा ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं कंसिडर द प्राइस डी टी एट टाइम टी ऑफ अ कॉल ऑप्शन

ठीक है ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसको रीड करिए ठीक है यह हमारा ऑप्शन से है क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऑप्शन से रिलेटेड ठीक है, ओके सो बेसिकली पहला जो क्वेश्चन है सेल्फ फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी एटी के बारे में बताइए तो यहां पर बेसिकली क्या बोल रहे हैं एटी इज द नंबर ऑफ शेयर्स, सो एटी हमारा हो जाएगा शेयर्स ठीक है एंड बीटी बीटी यूनिट्स किसका है बीटी इज बेसिकली रिस्क फ्री बॉन्ड रिस्क फ्री बॉन्ड रिस्क फ्री बॉन्ड ओके रिस्क फ्री बॉन्ड सो रिस्क फ्री बॉन्ड सो इफ इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल कैश फ्लोज इन ऑर्डर टू रीबैलेंस, क्या बोल रहा है? इफ इट रिक्वायर एक्सटर्नल कैश फ्लोज इन ऑर्डर टू रीबैलेंस इफ इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल कैश फ्लोज माने उसको और बाहर का कोई भी पैसा नहीं चाहिए इन ऑर्डर टू रीबैलेंस मैथमेटिकली वी कैन से दैट The portfolio strategy is self-financing. Uh, if the value of the portfolio, self-financing if the value of the portfolio V T is what? ATST plus B T C T. Such that its instantaneous change is what? Its instantaneous change is what? D V T. Its instantaneous change is what? D V T is what? 80 dst 80 dst plus instantaneous change is what 80 dst plus bt dct t that is at time t plus dt there is no inflow or outflow of funds to adjust the value of the portfolio back up to the required amount money basically vt say vt plus dt pay without inflow आउटफ्लो ऑफ फंड ठीक है ना इसके बाद में देखो क्या बोल रहा है इसके बाद में देखो क्या बोल रहा है बोलता है कंसिडर द टू पोर्टफोलियोज बिलो ए यूनिट्स ऑफ एस टी बी टी यूनिट्स ऑफ सिटी वन यूनिट ऑफ डी टी कंस्ट्रक्ट टू इक्वेशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड सो दैट पोर्टफोलियो ए इज सेल्फ फाइनेंसिंग एंड रेप्लीकेट द प्राइस ऑफ पोर्टफोलियो बी ठीक है सो so, आई एस को करते हैं हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग एंड रेप्लीकेटिंग तो ए टी जो मेरा है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ए सो ए टी इज वॉट स्मॉल ए टी एस टी प्लस स्मॉल बी टी सी टी ठीक है एंड बी टी जो है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बी इज वॉट डी टी ठीक है अगर पोर्टफोलियो ए को बी को रेप्लीकेट करना है तो हम लोगों को क्या चाहिए ए टी शुड बी इक्वल टू बी टी या फिर ए टी एस टी या फिर क्या हो सकता है बताना ए टी एस टी एटीएसटी प्लस बी टी सी टी ए टी एस टी प्लस बीटीसी टी एटीएसटी प्लस बीटीसी टी इज इक्वल टू डी टी ठीक है फॉर पोर्टफोलियो ए टू बी सेल्फ फाइनेंसिंग वी रिक्वायर अगर सेल्फ फाइनेंसिंग करना है पोर्टफोलियो ए को तो क्या होना चाहिए डी ए टी इज इक्वल टू ए टी डी एस टी प्लस बी टी डी सी टी ठीक है फिर उसके बाद में ए टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू डी टी तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं पोर्टफोलियो बी को अगर सेल्फ फाइनेंसिंग बनाना है सो डीबीटी विल बी इक्वल टू डी डी टी राइट सो यहां पर हम लोग एक और इक्वेशन लिख सकते हैं द डीडीटी इज इक्वल टू ए टी डी एस टी प्लस बी टी डी सी टी ठीक है कंसिडर नाउ द सिनरियो वेयर एस जीरो दे दिया टी दे दिया के दे दिया आर दे दिया इन द पीरियड दीरियड फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू वन द प्राइस इंक्रीज बाई फिफ्टी परसेंट और डिक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट ठीक है इन द पीरियड फ्राम टी इज इक्वल टू वन टू टू द प्राइस इंक्रीज बाय फोर्टी परसेंट और डिक्रीज बाय थर्टी परसेंट ठीक है कैलकुलेट द using टू पीरियड binomial ट्री सो दिस इज वेरी सिंपल हम लोगों को सबसे पहले ट्री बनाना पड़ेगा इसमें हम लोगों को सबसे पहले इसमें ट्री बनाना पड़ेगा सो so, हम लोग सबसे पहले यू वन डी वन निकाल लेते हैं यू वन विल बी वन पॉइंट फाइव डी वन हम लोग को दे दिया है जीरो पॉइंट एट यू टू हम लोग को दे दिया है हम लोग को दे दिया है जीरो पॉइंट सेवन ठीक है अब हम लोग निकालेंगे क्यू वन सो क्यू वन क्या हो जाएगा ई टू दी पावर जीरो पॉइंट जीरो फाइव माइनस जीरो पॉइंट एट होल डिवाइड बाई वन पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट एट क्यू टू विल बी इक्वल टू वॉट टू विल बी ई टू दी पावर जीरो पॉइंट जीरो फाइव माइनस सेवन होल डिवाइड बाय पॉइंट फोर माइनस ठीक है इसके बाद में ट्वेंटी का हमारा शेयर प्राइस है ऊपर जाएगा तो थर्टी वन पॉइंट फाइव टाइम्स नीचे आएगा तो पॉइंट एट टाइम्स सिक्सटीन फिर यहां से ऊपर जाएगा तो 1.4 टाइम्स 42 नीचे आएगा तो 7 टाइम्स मतलब 0.7 टाइम्स 21 फिर ये यह यहां से ऊपर जाएगा तो 1.4 टाइम्स 22.40 एंड अगर वो वहां से नीचे आएगा तो आएगा 11.20 समझ गया ना ठीक है तो ये हम लोग का हो गया फिर उसके बाद में ये हो गया अब पे ऑफ का बात करो हम लोग को स्ट्राइक प्राइस दे दिया है ट्वेंटी का तो पे ऑफ क्या क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा ट्वेंटी टू यहां पर आ जाएगा वन ठीक है यहां पर यहां पर तुम्हारा आ जाएगा टू पॉइंट फोर जीरो एक्चुअली ऐसे क्रॉस होना चाहिए था तो सही बैठता कर दू क्या एक मिनट रुको एक्चुअल में ये ऐसा होना चाहिए था ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा ठीक है सो बेसिकली सिक्सटीन का तुम्हारा आ रहा है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर जीरो और ये तुम्हारा आएगा ट्वेंटी वन तो यहां पर तुम्हारा आना चाहिए था टू पॉइंट फोर जीरो और यहां पर तुम्हारा आएगा वन यहां पर तुम्हारा आएगा जीरो ठीक है सो ये आ गया अपना पे ऑफ उसके बाद में डिस्काउंट तो अपने टू पीरियड का कर रहे हैं ठीक है डिस्काउंट तो अपने अब जैसे देखो ये वाला क्या है दिस इज क्यू वन वन माइनस क्यू वन दिस इज क्यू टू वन माइनस क्यू टू क्यू टू वन माइनस क्यू टू है ना अब इसको हम लोग सॉल्व तो कर ही सकते हैं ठीक है तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा अब Q1 Q2 this is दिस इज क्यू वन वन माइनस क्यू टू दिस इज वन माइनस क्यू वन क्यू वन वन माइनस क्यू टू ना ये गलत हो गया दिस इज क्यू वन वन माइनस क्यू टू दिस इज वन माइनस क्यू वन ना ना गलत हो गया एक मिनट रुको एक मिनट रुको इसका ये है ना सो दिस इज वॉट वन माइनस क्यू वन इंटू क्यू टू वन माइनस क्यू वन इंटू क्यू टू ये ऊपर से क्योंकि नीचे आ रहा है वो भी मैंने गड़बड़ कर दिया तुम लोग अलग अलग ही कर देना मतलब जैसे मैंने जो मैंने लास्ट में ये जो किया ना ऐसे ऐसे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं बस थोड़ा तो सा देखने में खराब लग रहा था वो एक्चुअली ये लाइन ऐसे जाएगा ये लाइन ऐसे आएगा सो दिस इजेंटी वन ठीक है तो मैं देख रहा हूँ एक बार वन माइनस क्यून इन टू क्यू टू दिस इज क्यू वन वन माइनस क्यू टू वन माइनस क्यू टू सो दिस इज क्यू वन वन माइनस क्यू टू एंड दिस इज वन माइनस क्यू वन वो तो जीरो हो जाएगा वैसे फिर भी लिख दे रहा हूँ वन माइनस क्यू टू सो अब सब में क्या आ जाएगा सब में तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा दो साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर सो दो साल का जो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है सो so दो साल का हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर इज ई टू दर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंटू टू ये सब में आ जाएगा ठीक है और सबको एडअप कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा ठीक है इसके बाद में क्या बोल रहा है इसके बाद में क्या बोल रहा है डिराइव द पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स एंड कैश एट टाइम जीरो ट रेप्लीकेट दी ऑप्शन वैल्यू एट टाइम वन ठीक है एक्चुअल में बता है हम लोग को ऐसे नहीं करके हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग को एक्चुअली आगे का जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही है तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन वैल्यू जो है ना वो टाइम वन पे भी निकालेंगे और टाइम जीरो पे भी निकालेंगे दोनों जगह पे हम लोग निकालेंगे ऑप्शन का जो वैल्यू है सो इट इज बेसिकली ई टू दी पावर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव ट्वेंटी टू इंटू क्यू टू प्लस वन इंटू वन माइनस क्यू टू ठीक है देख लो एक बार ट्वेंटी टू है और वन है इसका वाला का ठीक है ये वाला का ये, ये पे ऑफ है और एक ये, ये वाला पे ऑफ है ये दोनों है ठीक है सो ये हो जाएगा ये एक मेरा आ गया ठीक है फिर उसके बाद में e टू दावर माइनस टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू पॉइंट फोर जीरो इंटू क्यू टू प्लस जीरो इंटू वन माइनस क्यू टू ठीक है सो so, ये दोनों का वैल्यू निकाल लो एक का आएगा टेन पॉइंट नाइन सेवन फाइव और एक का आएगा वन पॉइंट वन फोर सिक्स ठीक है अब फिर यहां पर जो बेसिकली टाइम जीरो पे हम लोग करेंगे तो ये आएगा ई टू दी पर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव इंटू टेन पॉइंट नाइन सेवन फाइव क्यू वन प्लस वन पॉइंट वन फोर सिक्स वन माइनस क्यू वन ठीक है ना ये हो गया फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेप्लीकेटिंग पोर्टफोलियो के बारे में ऑप्शन वैल्यू इज टेन पॉइंट नाइन सेवन फाइव इफ द शेयर प्राइस हैज इंक्रीज टू थर्टी एंड वन पॉइंट वन फोर सिक्स इफ द शेयर प्राइस इज डिक्रीज टू सिक्सटीन ठीक है सो so बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं ध्यान देना अब हम लोग क्या कर सकते हैं सो बेसिकली थर्टी ए जीरो अगर ऊपर गया शेयर का दाम प्लस बी जीरो ई टू दी पावर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव ये एक इक्वेशन बनेगा दिस इज टेन पॉइंट नाइन सेवन फाइव ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं और एक हम लोग का बनेगा सिक्सटीन एरो प्लस बी जीरो ई टू पावर नहीं ये माइनस नहीं होगा एक्चुअली इट विल इट विल बी प्लस बी जीरो ई टू पावर जीरो पॉइंट जीरो फाइव B0, e to to the power 0.05, so this is equal 1.146, ठीक है? price movement between 0 and एंड the portfolio इज guaranteed टू मैच द डेरिवेटिव वैल्यू एट टाइम 1, ठीक है सो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे ऊपर गया तो भी मैच होगा नीचे गया तो भी मैच होगा राइट सो so, यहां से हम लोग मैच करके ए जीरो बी जीरो निकालेंगे यहां से हम लोग मैच करके तुम्हारा निकालेंगे ए जीरो और बी जीरो ठीक है सो ये दोनों का वैल्यू कितना कितना आएगा जीरो पॉइंट सेवन जीरो टू और ये आएगा माइनस नाइन पॉइंट फाइव नाइन सिक्स जो अपना डेल्टा और जो था ना फाइव और झाई वही था माइनस नाइन पॉइंट फाइव नाइन सिक्स ठीक है सो उसके बाद में अपने को क्या बोल रहा है उसके बाद में बोलता है शो दैट द रेप्लीकेटिंग पोर्टफोलियो मैचेस द ऑप्शन प्राइस रेप्लीकेटिंग पोर्टफोलियो मैचेस द ऑप्शन प्राइस सो मैच करा देंगे थर्टी ए जीरो प्लस बी जीरो ई टू दावर जीरो पॉइंट जीरो फाइव इसको सॉल्व कर लेंगे और सिमिलरली दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेंगे ठीक है फिर बोलता है कमेंट ऑन द लिमिटेशन कमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग अ बाइनोमियल ट्री टू सेटअप एंड मेंटेन अ रेप्लीकेटिंग पोर्टफोलियो फॉर दिस ऑप्शन इन द रियल वर्ल्ड सो बेसिकली रियल वर्ल्ड में बाइनोमियल ट्री का क्या लिमिटेशन uh, है द बाइनोमियल मॉडल एज्यूम्स न ओनली मूव टू वन ऑफ द टू वैल्यूज या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा राइट सो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या बायनोमिलोमल मॉडल का या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा राइट बायनोवल मॉडल का क्या क्या ड्रॉबैक ये देख लो स्टॉक प्राइस या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा राइट वी कैन देरफॉर ओनली चेक दी ऑप्शन वैल्यू एर दीज पॉइंट द बाइनोमल ट्री ऑल्सो ओनली अलाउज अस टू मॉडल डिस्क्रीट स्टेप चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस वेन रियल स्टॉक्स विल मूव कंटिन्यूअसली देर विल भी इंटरमीडिएट पॉइंट इन टाइम वेन वी कैनॉट यूज दी बायोमियल ट्री मतलब या तो ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग वैल्यू नहीं कर सकते दिस विल लिमिट द यूजफुलनेस ऑफ अर एप्लीकेटिंग स्ट्रेटेजी डिराइव यूजिंग अयनोमियल ट्री रिजल्टिंग अप्रोक्सीमेशन विल बी बेटर इफ वेगा स्मॉल वेगा स्मॉल वाला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेगा को स्मॉल क्यों रखना चाहिए राइट सो दिस इज इट सो दिस इज इट हमने सेप्टेंबर ट्वेंटी का भी पेपर कर लिया है इसके बाद में मैं आप लोग को कराऊंगा अप्रैल बाईस का पेपर और उसके बाद हम लोग इक्कीस का दोनों टर्म का करेंगे सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो